ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं करेगा अपनी लाइफ में। इंसान को मैं पहचान लेता हूँ कि भाई साहब कौन सही है कौन गलत है, थोड़ा ध्यान से देखो। कलर्स टीवी का शो बिग बॉस 18 शुक्रवार के एपिसोड के इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रहा। इस शो में आप कंटेस्टेंट के बीच मुकाबला भी काफी तगड़ा होता जा रहा। ऐसे में जीत को लेकर घर वालों के बीच काफी कुछ देखने को मिल रहा। कंटेस्टेंट गाली गलौज के बाद अब मारपीट पर भी उतारू हो गए हैं। यही नहीं, जब कुछ फीमेल कंटेस्टेंट जीत नहीं पा रहे हैं तो वो अपना फीमेल कार्ड का यूज कर रही हैं। जी हाँ, हाल ही में एलिस कौशिक ने टास्क के दौरान रजत दलाल संग ऐसा ही किया। ऐसे में अब इस पर एल्विश यादव का रिएक्शन सामने आया है। रजत के सपोर्ट में आए एल्विश यादव। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव ने एक वीडियो टेली चक्कर के इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो में एल्विश पहले अपने मोबाइल पर एलिश और रजत दलाल का क्लिप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही क्लिप है जिसमें एलिश कहती है कि मैं लड़की हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद एल्विश कहते हैं, बदनाम करने में किसी को भी बदनाम करना बहुत आसान है। आप किसी को कुछ भी कह सकते हो, कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे तो दूसरी आपको ट्रोल करेंगे कि ये सही नहीं था। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि आप अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में सही रहने चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों के इमेज खराब करने में लग जाते हैं। बिग बॉस घर में एकता कपूर ने लिया ऑडिशन। बिग बॉस 18 के लेटेस्ट एपिसोड में एकता कपूर ने एंट्री ली और कहा वो जब भी शो में आती हैं वो अपने मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन शो के लिए कास्टिंग चुनती हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट को समझाने के बाद एकता कपूर फिर से नागिन के टॉपिक पर लौट आती हैं। जी हाँ, और फिर वो कहती हैं, मुझे नागिन से बस एक शख्स का नाम याद आता है, सारा अरफीन खान। फेस वाइज में तुम्हें इस भूमिका के लिए चुनूंगी। एकता कपूर की इस बात को सुनकर 38 साल की एक्ट्रेस सारा कुछ नहीं कहती, सिर्फ अपना सिर हिला देती हैं। इसके बाद एकता सारे घर वालों से पूछती हैं कि क्या घर के अंदर लड़ाई झगड़ा सारा का सिर्फ एक नाटक है। फिल्म मेकर की बात पर सब लोग हामी भरते हैं।